यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। इसराइल देश से कृषि भ्रमण कर अपनी कर्म भूमि लौटे पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड के प्रगतिशील किसान रंजीत सिंह ने शुक्रवार को जिला कृषि पदाधिकारी के आमंत्रण पर कार्यालय पहुंच आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों से अपने अनुभवों को साझा किया। बताया कि इसराइल और पलामू जिले की मिट्टी में समानता है, लेकिन कम पानी में भी वहाँ फसल अच्छी पैदावार देती है। तकनीकी जानकारी के अभाव में फसल की अच्छी पैदावार पाने में यहाँ के किसान चूक जाते हैं। कहा, इसराइल में किसान संगठित खेती में विश्वास रखते हैं, जो हमारे यहाँ अभाव झलकता है। बूंद बूंद पानी के उपयोग से फसल की प्रचुर पैदावार ली जा सकती है। किसान रंजीत सिंह ने कहा कि फसल को कम और ज्यादा पानी मिलना भी नुकसानदायक होती है। सिंचाई के लिए जरूरी पानी की व्यवस्था करने के साथ फसल चक्र अपनाकर खेती का आनंद लिया जा सकता है। इससे पूर्व आत्मा कार्यालय में किसान रंजीत सिंह के पहुंचने पर कृषि पदाधिकारी द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के इस प्रयास को सफल बनाया जाएगा। कहा, इसराइल देश से लौटे किसान रंजीत सिंह के अनुभव का लाभ यहाँ के किसान कृषि गोष्ठी के दौरान या बतौर मास्टर ट्रेनर अब ले सकेंगे। हमें जो सबसे समस्या है वो अकाल का है। कभी पानी होता है, कम पानी के चलते बहुत सारे खेते मर जाती है। वहाँ सबसे हमको अच्छा लगा कि कम पानी में भी अच्छा उत्पादन करना वहाँ के किसानों लोग कर रहे हैं, यही सबसे हमको वहाँ बढ़ा लगा। बूंद बूंद पानी का यूज, विशेषता तो कोई खास नज़र नहीं आया। जो खेती वो लोग भी कर, जो जमीन सॉइल वहाँ का है वही सॉइल हमारे यहाँ भी है। पीएच 8-7-8 का लमसम वहाँ है, हम लोग भी पीएच 7-8 है सर। और लेकिन वो लोग अच्छे से पौधे का संरक्षण, पानी का सही उपयोग और उत्पादन बहुत ज़्यादा, यही हमें वहाँ से मिला, जिसको हम आगे यहाँ अपने यहाँ अपने किसानों को ये दे सकें। यहाँ पौधे का सही से संरक्षण नहीं किया जाता है और उसको जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा ही पानी मिल जाता है, कभी कभी पानी मिलता ही नहीं, दोनों काम होता है। तो जितना पौधे को पानी चाहिए उस हिसाब से पानी दिया जाए तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। सरकार के इस कदम को कितना अच्छा, क्या मानते हैं, कितना अच्छा है? ये झारखंड गवर्नमेंट का सबसे हम सभी किसानों के लिए ये अभूतपूर्व फैसला था, वो दिए हैं जिससे हम किसानों को बहुत फायदा होगा। जैसा कि रंजीत जी ने बताया कि झारखंड सरकार इनको मास्टर ट्रेनर के रूप में रखने जा रही है, तो मैं इससे पहले भी कहा कि जहां भी हमारा किसान गोष्ठी होगी या किसान की इतनी सभा होगी, है ना, तो सब हम इनको पला प्राप्त निर्णय लेंगे और ये चाहेंगे ये कि अपना अनुभव जो है वो शेयर करें ताकि हमारे पलामू के किसान इससे लाभ पहुँचे।